अन्न सुरक्षा अभियान अंतर्गत कृषि विज्ञान केंद्र दहीगाव ने यांच्या मार्फत समूह आद्यरेष पीक प्रात्यक्षिक प्रवरा संगम येथे घेण्यात आले असून या अंतर्गत 20 शेतकऱ्यांना आपण फुले संगम या जातीचं बियाणं त्यासोबत कृषी निवेशा या ठिकाणी दिलेले आहे। तर हे प्रात्यक्षिक घेत असताना या बियाणाची पेरणी 18 इंचावर या ठिकाणी केलेली आहे। 18 इंचावर केल्यामुळं शेतकऱ्यांना या ठिकाणी कमी बियाणे या ठिकाणी लागलेलं आहे। त्याचप्रमाणे पेरणी करत असताना शेतकऱ्यांनी या ठिकाणी 1:1 DAP चा वापर या ठिकाणी केलेला आहे आणि पेरणी करत असताना शेतकऱ्यांनी योग्यप्रमाणे बीज प्रक्रिया या ठिकाणी केलेली आहे। त्याच्यामध्ये जैविक त्याचप्रमाणे रासायनिक पद्धतीने बीज प्रक्रिया या ठिकाणी केलेल्या आहेत। जैविकमध्ये रायझोबियम आणि PSB प्रति 10 किलो बियाणास 250 ग्रॅम या प्रमाणात बीज प्रक्रिया केली असून त्याचप्रमाणे रासायनिकमध्ये थायरम या बुरशीनाशकाची या ठिकाणी बीज प्रक्रिया केली आहे। आणि आज आपण या ठिकाणी बघतो आहे की पीक जे आहे ते शेंगा भरण्याची अवस्था आणि माहिती आहे की पावसाचं प्रमाण हे कमी जास्त होतं आपल्याकडे आणि यासाठी खरीपातील पिकामध्ये जसं या ठिकाणी सोयाबीन हे पीक आहे अशा पिकामध्ये जर आपण रुंद वरंबासरी या पेरणी पद्धतीचा जर वापर केला तर आपल्याला त्याचा नक्कीच फायदा होतो। आता हे कसं काम करतं ही पद्धत, यासाठी BBF नावाचं यंत्र तुम्ही ऐकलं असेल, त्या BBF यंत्राचा ज्याला ब्रॉड बेड फरो असं आपण म्हणतो या ट्रॅक्टरचलित यंत्राचा जर वापर आपण केला तर याचा दुहेरी फायदा हा आपल्या पिकाला होतो। पहिला फायदा म्हणजे की यामध्ये एक साधारणतः 3 ते 4 फुटाचा तुमचा रुंद वरंबा तयार होतो आणि शेजारी 1 फुटाची सरी तयार होते। त्याचा फायदा असा होतो की जेव्हा कमी पाऊस पडतो किंवा पाण्याचा ताण बसतो तर त्यावेळी या सरीद्वारे आपल्याला पाणी देता येतं। आणि दुसरा फायदा म्हणजे काय की या ठिकाणी जर पाऊस जास्त झाला। आपका नाम काय आहे? पवार, तरुण प्रकाश पवार। कौन सी वैरायटी लगाई है आपने? फुले संगम। फुले संगम कहाँ से लेकर आए थे? ये गांव में से लिया था, क्षेत्र के पास से। और उसके बाद में ये प्रदर्शन कहाँ से लगाया है आपको? मतलब प्रदर्शन कृषि विज्ञान केंद्र ने आपकी कुछ मदद की है क्या? हाँ की है। कृषि विज्ञान केंद्र मार्गदर्शन मिला है ना, उनकी वजह से मैंने पहले 12 इंच पे पेड़ निकालना था, 12 इंच पे पेड़ निकालना। अच्छा अच्छा अच्छा। बाकी और खरपतवार नाशी या रोग नाशी या कीट नाशी इन सब में भी कुछ बदलाव किए क्या आपने? बदलाव किए ना, वो ये वैरायटी भी चेंज की है, पहले 93.05 करता था, अब नहीं। एक जो पीत शिरा रोग आता है येलो बीन मोजेक जिसको बोलते हैं, तो येलो बीन मोजेक को नियंत्रित करने के लिए आप कुछ फवारनी लेते हैं क्या? उसके लिए, क्योंकि अभी जो पीली पीली पत्तियां दिखती है आपकी, येलो बीन मोजेक रोग बोलते हैं यानी पीत शिरा रोग बोलते हैं, इसके कंट्रोल करने के लिए आप इमिडा क्लोप्रिड एक और दवा है, इमिडा क्लोप्रिड 17.8%, तो उसकी 0.3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी में मिलाकर यदि उसका स्प्रे करेंगे तो जो जितनी भी आपको ये पीली पत्तियां दिख रही है ये पीली पत्तियां नहीं दिखेंगी। और इसकी वजह से क्या होता है कि इसमें फूल आने की प्रक्रिया बंद हो जाती है और जब फूल नहीं आते तो उसमें फली बनना यानी शेगा जिसे बोलते हैं वो शेगा बनना बंद हो जाते हैं। तो एक तो औषधि आप इमिडाक्लोप्रिड का उपयोग कर सकते हैं, दूसरा थायोमेथोक्साम। थायोमेथोक्साम एक दूसरी औषधि है, इसका उपयोग भी आप जो पीत शिरा रोग आता है इसके लिए कर सकते हैं। दूसरी जो समस्या, क्योंकि इसमें आप देखते हैं कि एक तो ये ब्लाइट बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट और दूसरा रस्ट तांबेरा, तो तांबेरा या फिर बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट इन दोनों को भी कंट्रोल करने के लिए आप दो दवाएं हैं उनका कम्बिनेशन। कम्बिनेशन कैसा कि आप एक तो बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट अगर आपको दिख रहा है तो आप उसमें स्ट्रेप्टोमाइसिन या फिर एग्रीमाइसिन या फिर एक नई दवा ये एजॉक्सिस्ट्रोबिन, तो आप एजॉक्सिस्ट्रोबिन ले लीजिए। और इसके साथ ही साथ दूसरी दवा आप मेटलेक्सिल नाम की दवा और एजॉक्सिस्ट्रोबिन नाम की दवा दोनों को मिलाकर यदि आप ऐसी स्टेज में जहाँ पे आपको बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट या फिर तांबेरा जिसको रस्ट बोलते हैं अगर उसकी समस्या दिख रही है तो ये इसको कंट्रोल करने में सहायक सिद्ध होंगे। इस प्रकार, क्योंकि आपको रोग कीट या फिर जो दूसरी, जैसा कि आपने बताया कि वैरायटी बदली आपने, खरपतवार नाशी का बदल किया, उसकी पेरनी पद्धति में बदल किया, अगर ये सारी प्रक्रियाएं करेंगे तो निश्चित रूप से आपको सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन मिल सकता है। अभी आपको कैसा लग रहा है कि मतलब कितना उत्पादन मिलने की उम्मीद है आपको? 12 किलो
बारह क्विंटल, और इसके पहले 93.05 लेते थे तो कितना मिलता था? 7-8 मतलब लगभग 1.5 गुना तक आपको मिलेगा। चलिए आपको बधाई, आप ऐसे ही कृषि विज्ञान केंद्र के संपर्क में आते रहिए और इस तरह से आप अपना उत्पन्न बढ़ा